झारखंड के रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र स्थित मल्लाह टोली में असामाजिक तत्वों ने धार्मिक स्थल हनुमान मंदिर में तोड़फोड़ की है। मंदिर में स्थापित प्रतिमा को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया है। असामाजिक तत्वों ने सामाजिक सौहार्द को बिगाड़ने वाली इस हरकत को मंगलवार की देर रात अंजाम दिया है। घटना की जानकारी बुधवार की सुबह हुई। असामाजिक तत्वों की नापाक हरकत को राजधानी के अमन पसंद लोगों और पुलिस प्रशासन ने नाकाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसएसपी किशोर कौशल ने खुद मोर्चा संभाला और सीसीटीवी फुटेज खंगाल मूर्ति खंडित करने वाले एक आरोपित को पकड़ लिया है। मंदिर के आसपास के इलाकों को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया है। कोतवाली डीएसपी सिटी डीएसपी को मामले पर नजर रखने की हिदायत दी गई है। वहीं दूसरी ओर घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए भाजपा नेता पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने ट्वीट कर कहा कि एक बार फिर राजधानी रांची में हेमंत सोरेन के तुष्टिकरण वाली कानून व्यवस्था की पोल खुल गई है। व्यस्ततम मेन रोड स्थित महावीर मंदिर की प्रतिमा को असामाजिक तत्वों ने क्षतिग्रस्त कर दिया है। मामले को लेकर बुधवार दोपहर 3 बजे अल्बर्ट एक्का चौक से डीएसपी कोतवाली प्रकाश सोय के नेतृत्व में फ्लैग मार्च निकाला गया और लोगों से शांति और भाईचारे की बनाए रखने की अपील की गई। नहीं, अभी तो आपने देखा कि एक तो पत्थर से मारा हुआ है, सांप दिख रहा है, चोट लगा है, तो निश्चित रूप से मैं ये कहूंगा कि जो भी असामाजिक तत्व है, पुलिस को बिना विलंब के सरकार को ऐसे अपराधियों को पकड़नी चाहिए। क्योंकि पिछले दिनों भी सड़क में जून में भी उत्पात लोग मचाया था, उस वक्त भी मंदिर को काफी क्षति पहुंचाया था। वहां मंदिर उस समय हम आए थे, उस समय भी देखे थे। अगर इस पर सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तो मुझे लगता है कि फिर कानून व्यवस्था की समस्याएं खड़ी हो जाएगी। इसलिए मैं सरकार से इतना ही कहूंगा कि बिना विलंब के चाहे जो कोई भी अपराधी हो उसको चिन्हित करके, यहाँ निश्चित रूप से सीसीटीवी होना चाहिए इस क्षेत्र में, तो सीसीटीवी होगा ही, यह मुख्य सड़क है, तो सारी चीज को छानबीन कर ले ताकि जो कोई भी अपराधी हो, यानी समाज को, और क्या कहते हैं, दुर्गा पूजा का समय है, पूरे राज्य को एक प्रकार से आंदोलित करने की जो कोशिश कर रहा है, सौहार्द को जो बिगाड़ने की जो लोग प्रयास कर रहा है, फिर वैसे लोगों को चिन्हित करके और उनको कठोर से कठोर दंड मिलनी चाहिए, सजा मिलनी चाहिए। बगल में इमामबाड़ा है, उससे हमने, वही तो मैं कह रहा हूँ ना, चाहे जो कोई भी तोड़फोड़ किया, कोई भी धार्मिक स्थल हो जहाँ लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ, अगर उस पर कोई भी तोड़फोड़ करता है तो फिर उनको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। और मैं समझता हूं कि यह निश्चित रूप से, ये मुख्य सड़क है, यहां तो सीसीटीवी कैमरा दुकानों में भी लोग लगाए होंगे और आसानी से उसको डिटेक्ट किया जा सकता है, उसको खोजा जा सकता है। देखिए, मैं तो इतना ही कहूंगा कि चूंकि सवेरे ही हमको सूचना मिली थी और जैसे सूचना मिली तो आपने देखा होगा कि हमने ट्वीट में भी ट्वीट कर दिया था, लेकिन मुझे लगा कि एक बार प्रत्यक्ष जा करके भी हमें देखना चाहिए, क्योंकि आज ये कार्यक्रम था, नहीं तो और पहले हम आते और आए तो हमने देखा कि वास्तव में पत्थर भी लोगों ने रखे हुए हैं। तो हम ये कहेंगे कि तो नवरात्रा का समय है, समाज के सौहार्द को जो बिगाड़ना चाहते ऐसे तत्वों को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए, क्योंकि मुख्य सड़क में ये मंदिर है और यहाँ मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से कई दुकानों में सीसीटीवी भी लगी होगी, निश्चित रूप से उन लोगों को चिन्हित करके, पहचान करके, क्योंकि कोई भी किसी भी जो धार्मिक स्थल होता है लोगों की आस्था से जुड़ा हुआ रहता है और वहां अगर कोई तोड़फोड़ करता है तो यानी आप समझिए समाज में शांति को भंग करना चाहता है और वो भी ये दुर्गा पूजा के समय। इसलिए वैसे तत्वों को बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए, बिना विलंब किए सरकार उसको चिन्हित करके और उनकी गिरफ्तारी को सुनिश्चित करनी चाहिए। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।